अनंत जन्म की भूल को छिन में डार खो कुंज बिहार लाड़ली तुम ते सब कछ हो मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी तू प्राण जान नदी जो जगत में परशु पद सुखदान जो बिगड़ेगी रावरी हो भगत बुहार ताते तुम सो कहता ऐच आपने पा भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मोर मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाँ श्री बिहारी दास को अबनान गति तुमरे चरण कमल ममुमा नमः कुंज बिहारिणी नमः कुंज बिहारिणी नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे राधालिंगित गात्राय नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्गाब्जभानवे श्री हरिदास पाद कमलम संसर्गता पापुहां चित्ताली प्रमल प्रदम सुललितम पदमौघसुभाजितम तत्र तीर्मणि तंतुभिः सुखकरम शिव्यम सदा हंसकैः केली सुसुधासर प्रविक्षद्रत पद्म बंधु प्रियम पद्म बंधु प्रियम अनायासेन दातारम केले कुंज विहारिणो केनापि सुकृतेनाहं
स्वामिनं शरणं गतः स्वामिनं शरणं गतः श्रीहरिदास नमस्तुभ्यं वृंदारण्यनिवासिने विहारी प्राणवित्ताय नमः प्रेमैकमूर्तये विहारी प्राणवित्ताय नमः प्रेमैकमूर्तये नमः प्रेमैकमूर्तये भक्ति बिना भक्ति बिना भक्ति बिना भक्ति बिना जन्म अकारथ जा भक्ति बिना जन्म अकारत जा भक्ति बिना जन्म अकारत जा जन्म अकारत जा भक्ति बिना जन्म अकारत जा भक्ति बिना भक्ति बिना भक्ति बिना भक्ति बिना भक्ति बिना जन्म अकारत जा भक्ति बिना जन्म अकार निर्विनाशु खे सर्वर लो बिना नीरु बिना नीरु बिना नीरु बिना नीरु बिना सु खे सर्वर लो निर्बिना खे सर्व तरवर बीजो पार हाँ तरवर जो बिन पार भक्ति बिना जन्म अकारत जा भक्ति बिना जन्म अकारत जा भक्ति बिना जन्म अकार जिनते प्रगटे
संत शिरोमणि जिनते जिनते प्रगटे संत शिरोमणि जिनते जिनते प्रगटे संत शिरोमणि संत शिरोमणि रसिक शिरोमणि संत शिरोमणि जिनते प्रगटे संत शिरोमणि नते धन्यत जननी मा धन्यत जननी मा भक्ति बिना जन्म अकारत जाय भक्ति बिना जन्म अकार जाय भक्ति बिना जन्म अकार रसिक रूप राधावर सुमिरो रसिक रूप रसिक रूप राघवर सुमिरो सुफल करो नरगा सुफल करो नरगा भक्ति बिना जन्म अकारत जा भक्ति बिना जन्म अखा जन्म अखा भक्ति बिना जन्म अकारत जा भक्ति बिना जन्म का जा दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम् आचार्य जन हमारे हम दासन को बता रहे हैं रसिक प्रेमी जनों या जीवन में हरि भक्ति नहीं है वो जीवन जीवन नहीं अकारत है। एकमात्र ये जन्म मिला है हरि भक्ति के लिए मिला है ये सर्व उपासना का सिद्धांत है। नीर बिना सूखे सरोवर लो जैसे सरोवर में जलाशय में अगर जल नहीं है
तो काय को जलाशय, सरोवर में जल नहीं है तो काय को, तो मनुष्य जन्म में भक्ति नहीं है, रसिकन के चरणों में प्रेम नहीं है, वृंदावन से प्यार नहीं है, तो वो काय को जन्म जी। हरि के चरणन में अनुराग नहीं है, वो काय को जन्म। तो नीर बिना सूखे सरोवर लो, तरवर ज्यों बिन पात। पेड़ है और उस पर पत्ते नहीं है, तो वो पेड़ कोई शोभा देता है क्या? पेड़ की शोभा पत्तों से फूल फलों से है। उसमें फूल फल पत्ते ही नहीं है, सूखा खड़ा है, उससे क्या लाभ है? तो नीर बिना सूखे सरोवर लो, तरवर ज्यो बिन पाक। उसी प्रकार से मनुष्य जन्म में अगर विहारी विहारी सो, वृंदावन धाम सो प्रेम नहीं है तो अकारथ है, बेकार है वो जीवन। एक एक क्षण एक मात्र बिहारी बिहारिन के इष्ट के चिंतन के लिए प्राप्त हुई है, भजन के लिए प्राप्त हुई है, और इन क्षणों को या समय को हम व्यर्थ में बेकार अगर करते हैं तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। महाराज श्री ने आगे बतायो, जिनते प्रगटे संत शिरोमणि, धन्य ते जननी मात। वो जननी, वो माता, वो धन्य है जिनके उदर से एक संत रसिकों का प्राकट हुआ है, प्रगटे हैं, उनके दर्शन के लिए देवता भी लालायत रहते हैं। तो जिनते प्रगटे संत शिरोमणि, धन्य ते जननी मात। रसिक रूप राधा वर्ष मेरवा, आचार्य जन कहें बिहारी बिहारन को सुमरण करो भैया, सुफल करो नरगात, यानी नरगात मनुष्य शरीर को सुफल करो, मनुष्य जन्म की सफलता यही में है कि बिहारी बिहारन के श्री चरणों में अनन्य अनुराग, स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में अनन्य अनुराग, हृदय में परम भक्ति हरि भक्ति विराजमान हो वह। किसी भी संप्रदाय के चाहे अनुयायी क्यों न हो, सबका एक ही सिद्धांत है हरि भक्ति। चतुर संप्रदाय में हरि भक्ति, हरि स्मरण सर्वव्याध विनाशनम, हरि का स्मरण ही सर्वव्याधियों को विनाश करने वाला है। श्री हरदास नाम रुचे, श्री हरदास नाम सुचे, और श्री हरदास नाम लिए जाए दुख दोष मोचे। प्रेमी रसिक जनों, सारे दुख और दोषों का मोचन निश्चित ही हो जाएगा, लेकिन कब? जब अनन्य भाव से हम स्वामी जी के श्री चरणों में अनुराग करेंगे। श्री हरदास, श्री हरदास। आचार्य प्रवर श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज हम दासन को अपनी वाणी के माध्यम से बता रहे हैं भज श्री मन मन ही विचारे, भूलवत कित प्रभु के उपकारे। पहले भी बताया था, ये मन हरि को भजन विचार विचार के, जो कछु करो सो समझ के, उपासना तत्व का विचार करते हुए शरणागति स्वीकार करने, यहाँ समझो सो समझिए, वहाँ समझन कछु ना। उपासना तत्व का विचार, रस तत्व का विचार, भूलवत कित प्रभु के उपकार, ये विचार करने के साथ साथ और
प्रभु का उपकार मत भूलो। प्रभु ने कैसा उपकार किया है, मनुष्य जन्म दिया, भारत भूमि दी, वृंदावन धाम दिए, श्री रसिक गुरुदेव दिए, सब कुछ सौंझ बन गई। ये बिहारी बिहारी इनकी इष्ट की कृपा, कितनी कृपा है। पायो हरि धन नाम और मेरी का चाहिए, और श्री वृंदावन धाम और मेरी का चाहिए, सारी बात बन गई। जन्मत मरत भ्रमत न डरत निदरत उल्टे बल वस्तु अगारे, सिद्ध वस्तु घर ही से साधन सुनो न जाए। हमारे हृदय कमल में ही हमारे बिहारी बिहारन स्वामी जी की अंक में बिहार परायण हैं। मन खोजत मुकुंद मिलो भक्ति मुक्ति को दान, बिहारदास जैसो लह तैसो लह पहचान। एक बात है प्रेमी जनों, जो अनुकूल परिस्थिति में स्थिति में जो साधन में रत रहते हैं, वो तो रहते ही हैं, लेकिन अति महान वो हैं जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी साधन में दृढ़ रहते हैं। बोलो बिहारी जो महाराज, स्वाभाविक है, अनुकूल वातावरण मिल जाता है, माहौल मिल जाता है और साधन में रत रहते हैं बिहारी, लेकिन प्रतिकूल स्थिति में भी उसी स्थिति में रत रहे जैसे अनुकूल में रहते हैं। ये एक परीक्षण होता है। बोलो बिहारी जी महाराज, जन्मत मरत भ्रमत न डरत निदरत उल्टे वाले वस्तु गार है। वस्तु तुम्हारे हृदय कमल में है सिरदास। जन्मत मरत भ्रमत न डरत निदरत उल्टे वाले वस्तु गार है। वस्तु तुम्हारे आगे है, हृदय में है, दूर कहाँ है। जब समझे अपरूप को तब ही सब सुख हो, देह बुद्धि है जो भजे तामे सुख नहीं को। प्रेमी रसिक जनों, अपने स्वरूप को समझना है गुरु संतों के द्वारा। वस्तु हमारे हृदय में है, जब समझे तब निकट है, बिन समझे है दूर। जब तक समझ में नहीं आता तब तक दूर मानता है ये साधक, ये प्राणी। जब समझ में आ जाती है तो वस्तु हमारे हृदय कमल में ही विराजमान है, लेकिन वो प्रकट होती है संत गुरुओं की कृपा से। लाधो तो उल्टे वाला वस्तु अगारे, जन्मत मरत भ्रमत न डरत। अरे प्राणी, बार बार जन्मना, बार बार मरना, भ्रम रहा है अनेक योनियों में, अधम योनियों में भ्रम रहा है, घूम रहा है, न डरत, तुझे डर नहीं लगता है। कभी निरादर हो रहा है, कभी आदर हो रहा है, अनेक। लाध्यो फिरत ऊर्द मुख पसलों, परम विषय अति भय भार है। आचार्य महापुरुष कहते हैं, लाधो फिरत ऊर्द मुख पसलों, ऊंट की तरह वजन को लादे लादे फिर रहा है। सम्मान का भार, नाना प्रकार की वासनाओं का भार, अहंकार का भार, ये मेरा मेरा मेरा, ऊर्द मुख पसलों, परम विषय विष अति भय भार है। ये विष को गांठ में बांध रखा है, पोटली में बांध रखा है, संसार के विष अति भार को। ये अहंकार बहुत बड़ा शत्रु है, किसी के सिर पे एक गठरी रखी हो, वजन रखा हो और नीचे सोना पड़ा है बहुमूल्य, वो बहुमूल्य रत्न को तभी उठा सकता है हाथ से जब उस भारी गठरी को नीचे पटकेगा। ये अनुभव का विषय है, प्रत्यक्ष अनुभव है। भारी गठरी है सिर पे,
और चल रहा है और रास्ते में बहुमूल्य रत्न पड़ा हुआ है, तो वो उठेगा तभी जब उस गठरी को नीचे पटकेगा। ऐसे ही बहुमूल्य रत्न ये संत रसिक पृथ्वी पर ही विराजमान है, लेकिन रसिकन के पग पर रसिकन को चरण आश्रय लेवेते ही काम बने है, तब वो अमूल रत्न बिहारी बिहारन की अनन्य भक्ति, अगर अहंकार में तो सिर पे जो वजन है नाना प्रकार के संसारी आवरण कि मैं या को मालिक, ये मालिकाना, ये तरीका का नाना प्रकार का जो मालिकाना है उसका जो आवेश है वही पतन का कारण है, वही बोझा है। श्री स्वामी बिहारेन्द्र जी महाराज ने कहा एक साखी में, पंडित या रसते बचे ज्यो बिझुके मृग रोज, नवेन अचवन पावई सिर धरे वेद को बोझ। जिनका मन पांडित्य में है, जिनका मन कर्म कांड में है, हरि भक्ति रहते हरि की भक्ति नहीं करते हैं, अथवा मिश्रितपन है, अथवा संसार में आसक्त है, बहुत प्रकार के प्राणी, तो महाराज बोले नवेन अचमन पावई, ऐसे लोग संत गुरुओं के शरणों में श्रद्धा भाव से नवते नहीं, अपने आप को नतमस्तक नहीं करते हैं, तो उनको वस्तु हस्तामल नहीं होती है। गुरुन गई जो वस्तु है जुगल प्रेम को भूल, तीन लोक की कोगने तन मन प्राण अमूल। श्री गुरुदेव ने कृपा करके जो वस्तु दई है, जो रसरीति दई है, जो नाम दिया है, जो शुद्ध समझ प्रदान की है, जो यथार्थ जो हृदय में कलमश था उसको दूर करके मूल ज्ञान अर्जित किया है, ये शुद्ध समझ बिहारी विहन के श्री चरणों में अनुराग ये प्रदान किया है। तीन लोक की को गने तन मन प्राण अमोल, तीन लोगों को न्योछावर, तीनों लोगों का सर्व सुख न्योछावर कर दिया जाए ये भी थोड़ा है। तन मन प्राण अमोल, अपने तन और मन को सिर के सांठे हर मिले तो सस्त हो जाए। आचार्य जन कहते हैं सिर कटाने के बदले अगर हरि प्राप्त हो जाते हों तो भी सस्ता है, लेकिन सिर कटाने से नहीं मिलते हैं, हरि सिर झुकाने से मिलते हैं। स्वामी जी महाराज हरि दीनन पे कृपा कर, दीनों पे कृपा करते हैं। दीनता तोप साधनम, सबसे बड़ा साधन दीनता, हरि दीनता पे रीझते हैं, अहंकारियों पे हरि नहीं रीझते, अहंकार तो हरि का भोजन है। काम क्रोध मद मोह मुदित मन, धन दारा संग्रह तो विकार है, काम क्रोध लो मोह मत्सर, यही में मन प्रसन्न रहता है। धन स्त्री नाना प्रकार के संसार के सुखों, महाराज बोले संग्रह बेकार है, इन बेकारों का ही संग्रह किया है तेने, हरि नाम का संग्रह नहीं किया, संतों की संगति रूपी धन का संग्रह नहीं किया। स्वामी जी महाराज कीनो श्रम सब दिन विवेक बिन, सुख सपने उ लिख्यो न संसार है,
महाराज श्री बोले, तीनों श्रम शब्दिन विवेक बिन। सुख सपने न लिखो संसार। प्रेमी जनों, संसार में स्वप्न में भी सुख नहीं। सब दिन श्रम किया, हरि चरणों में अनुराग नहीं किया और सब कुछ किया तो सब श्रम है। कीनों श्रम सब दिन विवेक बिन, सुख सपने न लिखो संसार। संसार में स्वप्न में भी सुख नहीं है। भूलवत कित प्रभु के उपकार है। स्वामी जी महाराज, प्रेमी ऋषि जनों, बड़ों के ये सब अमृत स्वरूप है। मुश्किल से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, भारत भूमि प्राप्त हुई, सब कुछ सोच बन गई उन्होंने कृपा। उनके स्वामी जी महाराज के शिक्षणों का चिंतन अनन्य भाव से, अखंड भाव से, श्री अरदास नाम जाप, श्री अरदास, श्री अरदास, स्वामी जी महाराज। समस्त प्राणी पर करती है। जय जय श्री राम।